आपने अपने जीवन में कई ऐसे लोगों की कहानी सुनी होगी जो अपनी खड़ी मेहनत से अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। ऐसे कई लोग आपके आसपास भी रहते होंगे, लेकिन उनको दुनिया नहीं जानती है। दुनिया ऐसे लोगों को ही याद रखती है जो सबसे अलग काम करते हैं और कुछ ऐसा कर देते हैं जो सभी को जिंदगी भर याद रहता है। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो सभी का दिल जीत लेगी। एक ऐसा शख्स जिसके माँ बाप आम जिंदगी जीते थे, लेकिन बेटा आज लाखों करोड़ों एक गांव में रहकर कमाता है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की बायोग्राफी बताने वाले हैं जो कि गांव में रहते हैं, लुंगी पहनते हैं, साइकिल पर घूमते हैं, लेकिन वह एक बिलियनियर है। तो ऐसा ये क्या करते हैं, उससे पहले हम थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। लेकिन उससे भी पहले, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे पढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका नाम है श्रीधर वेम्बु। इनका जन्म तमिलनाडु राज्य के तंजौर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में 1968 में एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका पूरा परिवार किसानी किया करता था। इनके जन्म के कुछ वर्षों बाद इनके पिता चेन्नई में शिफ्ट हो गए और चेन्नई हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर का काम करने लगे। श्रीधर वेम्बु बचपन से ही पढ़ने में अच्छे थे। इन्होंने 12वीं क्लास में टॉप किया और इसके बाद IIT JEE का एग्जाम दिया। एग्जाम में इन्होंने 27वीं रैंक प्राप्त की और इन्हें IIT मद्रास में एडमिशन मिला। IIT मद्रास से इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। इसके बाद ये आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका गए और अमेरिका में इन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से MS और PhD की पढ़ाई की और बाद में अच्छी कंपनी में IT इंजीनियर के तौर पर नौकरी की। इसके बाद वह अचानक भारत लौट आए। उनके इस फैसले से परिवार वाले काफी परेशान हो गए, लेकिन उनके मन में बिजनेस शुरू करने की धुन थी और उन्होंने किसी की सुने बगैर अपने काम शुरू कर दिया। और अपने गांव में 1996 में वेम्बु और उनके भाई ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी की शुरुआत कर दी और कंपनी का नाम रखा एडवेंटनेट। और करीब 13 साल बाद कंपनी का नाम बदलकर जोहो कॉरपोरेशन कर दिया और अब ओ इंडिया का सबसे प्रॉफिटेबल स्टार्टअप चलाते हैं और पिछले वर्ष इनका प्रॉफिट 2700 करोड़ था। हम बात करने वाले जोहो कॉरपोरेशन के मालिक श्रीधर वेम्बु के बारे में इस कहानी में आज उनकी सफलता की कहानी सुन रहे हैं। श्रीधर वेम्बु एक भारतीय अरबपति है। इन्होंने अपने पैसे से खुद का स्टार्टअप जोहो कॉरपोरेशन शुरू किया था और वह आज के समय में इंडिया के टॉप प्रॉफिटेबल स्टार्टअप में से एक है। आज तक इन्होंने अपने बिजनेस में कभी बाहर से फंडिंग नहीं ली और अपने ही पैसों से कंपनी चलाई। पिछले वर्ष इनके कंपनी का रेवेन्यू 7000 करोड़ था और इनका प्रॉफिट 2700 करोड़ था और इनकी कंपनी की वैल्यूएशन थी 40000 करोड़। श्रीधर वेम्बु को इनके कामों के लिए सरकार की तरफ से पद्मश्री का पुरस्कार भी मिल चुका है। ये इतना फेमस इसलिए है क्योंकि ये अपने गांव से ही अपनी पूरी कंपनी चलाते हैं और गांव के एक आम व्यक्ति की तरह रहे हैं। यही अपना स्कूल भी चलाते हैं जन्हा, पर ये 10 और 12वीं क्लास के बच्चों या उसके ऊपर के बच्चों को सिलेक्ट करते हैं और उन बच्चों को फ्री में 6 महीने तक टेक कोडिंग और सॉफ्ट स्किल आदि सिखाते हैं और बाद में उन्हें अपने ही कंपनी में काम भी देते हैं। आज के समय में जोहो कंपनी में 11000 लोग काम करते हैं, जिसमें से 1500 लोग इनके स्कूल जोहो स्कूल से शामिल हुए हैं। वर्तमान समय में जोहो में 11000 से अधिक लोग काम करते हैं और जोहो का बिजनेस 180 से अधिक देशों में फैला हुआ। इस समय जोहो की वैल्यूएशन 4.3 बिलियन USD है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।